खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा एसपी नवनीत भसीन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत बैकुंठपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि नशा मुक्त अभियान के तहत चलाए जा रहे अभियान में बैकुंठपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बैकुंठपुर पुलिस ने यूपी से लाई जा रही पिकअप वाहन में 32 पेटी कोरेक्स बरामद की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि कोरेक्स कफ सिरप की खेप कहां से लाई जा रही थी, इसकी पूरी चैन पुलिस तलाश कर रही है। जल्द ही अन्य और आरोपियों को पकड़ लिया। लगातार रीवा पुलिस नशे के विरोध में अपना अभियान संचालित कर रही है। इसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण सूचना बैकुंठपुर पुलिस को मिली थी, जिसमें एक पिकअप गाड़ी में कोरेक्स की जानकारी प्राप्त हुई थी। तत्काल घेराबंदी करके उस गाड़ी को पकड़ा गया और 32 पेटी उसमें कोरेक्स बरामद हुई है और उसमें 3 आरोपी गण अभी पकड़े गए हैं। अभी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया है और उस क्रम में हमारे SDOP भी उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ये चेन पूरी ट्रेस की जाए, ये बॉटल्स कहाँ निर्मित हुई थी, वहाँ से किस व्यक्ति को पहुँची हैं और इनके अन्य साथी जो हैं वो कौन है और उनके क्राइम रिकॉर्ड क्या है, इस पूरे पे हमारी टीम अभी काम कर रही है।